नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं हिमांशु और आप देख रहे हैं हलचल इंडिया। बेबाक खबर, तेज असर। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। सहारनपुर जनपद के थाना गागालेडी क्षेत्र के गांव तिवाया में दो भाइयों में जमीन विवाद चला रहा था, जहां जमीनी विवाद के चलते भाई ने भाई के ऊपर ही ट्रैक्टर चढ़ा दिया। मामले का यह वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है, जहां भाई के ऊपर ट्रैक्टर चढ़ाकर उसे घायल कर दिया। SPCD अभिमन्यु मांगलिक ने बताया कि पैतृक संपत्ति को लेकर काफी दिनों से दोनों भाइयों में विवाद चला रहा था, जिसमें कल शाम 7 बजे के करीब एक भाई ने दूसरे भाई के ऊपर ट्रैक्टर चढ़ा दिया, जिसको जिला चिकित्सालय भर्ती कराया गया है। वहीं परिजनों की तरफ से मुकदमा पंजीकृत कर आगे की कार्यवाही की जा रही है। मेरे भाई का अब उसका दीवार ऊंची करने का मामला चल रहा है। दीवार मेरी पहले से ही, हमारे बिजली में बंटवारा हो गया 30 साल पहले। ये मेरा भाई इस दीवार को कर मेरे जमीन पर कब्जा करना चाहता है जबरदस्त। हमारे भाई का क्या नाम है? राम कुमार जी। उसके दो लड़के हैं मेरे खिलदार जी, हुई जांच कर रहा हूँ। ठीक है। इसने पहले मेरे उसी हस्तखत करी, पहले वार कराया, फिर ट्रैक्टर चढ़ाया, कल भी ऐसा ही कराया, 1984 में भी कराया इसने। कभी मेरा समरसील काट दे, कभी कुछ कर दे, इसे रोज का काम यही। इसमें आपने कई अधिकारियों को तैयारी दी है? हाँ, अधिकारियों को मैं SDM को भी पूरा मैटर बता दी, SSP को मिला मैं कई बार, थाने में मिला। थाने में मैं दूसरे तीसरे दिन जाऊँ अपनी बात बताऊँ, भाई झगड़ा होने वाला उसमें कोई वो नहीं। कौन थाने में? गगड़ में। अच्छा, थाने वालों ने कार्रवाई की नहीं की? ना, कोई कार्रवाई नहीं। 3 दिन एक कह रहे भाई झगड़ा होने की उम्मीद है, झगड़ा होने की उम्मीद है, उन्होंने कोई तवज्जो नहीं करी। पर 2 पुलिस वाले भेज दिया कल, उनके कहा अब क्या तो, चाहते हैं आप? एक झगड़ा मेरा वहाँ हो गया था पटवारी गन्ना भवन पर, वो सदर थाने में, उसकी तो वह कैट दी थी यहाँ से यार, फिर मैं कोर्ट में गया, उसकी मुकदमा दायर करा, उसमें भी लोग कोई रोज मुझे दरोगा कहे हो, और जब मैं गया लोग समझ में। कितना टाइम होगा सदर थाने में? भी कम से 15-20 दिन है गए, दर्ज करवाया था मैं कोर्ट के द्वारा, वैसे हो गया जनवरी में हो गया था। राम कुमार के खिलाफ? हाँ, हर कुलदीप के। अच्छा, ये जो रात घटना हुई है ये कैसे कैसे हुई? यह पहले मार पिटाई करी गई दादर, फिर जैन तो मारने का था, ट्रैक्टर चला गया हमारे को, मारे हिस्से में आने का वो ट्रैक्टर रुकया, वो अमरूद के पेड़ से जब उसके तले से निकल गया। इसकी तैयारी दे दी? उसकी तैयारी भी दी नहीं, देने वाले मैं अपना एक्सरा करवा रहा, अपना इलाज करवा रहा, उसकी देंगे। इसमें चोट आपके ही है और किसी के भी है? मेरी घरवाली के भी है, फिर मैं तन के हैं उसके हाथ में चोट है। 60 से 70 वर्ष के बीच में इनके बीच में अपनी पैतृक संपत्ति के बंटवारे को लेकर और दीवार लगाने को लेकर काफ़ी समय से विवाद चल रहा था। इसी विवाद की वजह से दोनों के बीच में कसीज की बनी हुई थी पूरे समय, और कल शाम को करीब 7 बजे के अराउंड ये जो CCTV फुटेज में देखा जा सकता है कि जो इसमें जो बड़ा भाई है उसने छोटे भाई पर ट्रैक्टर चलाने का प्रयास किया, और अभी जो छोटा भाई है जो चोटिल हुआ है वो अभी उसकी कंडीशन स्टेबल है, आउट ऑफ डेंजर है। इस टाइम पे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में एडमिट है वो, और उनके परिवारजनों से तहरीर आ गई है, उसके तहरीर में मुकदमा पंजीकृत करके इसका आगे की विधि कार्रवाई की जा रही है। और उनके साथ उनकी पत्नी भी घायल बताई जा रही है? जी हाँ, उन्होंने जो अपनी एप्लीकेशन दी है उसमें बताया जा रहा है कि उनकी पत्नी भी घायल हुई है, उनकी मामूली चोट लगी है, उनको भी जो प्राइमरी हॉस्पिटल BSC है वहाँ पे उनको एडमिट करा लिया गया था, तो वहाँ से डिस्चार्ज हो गई हैं। इनकी जो ये जो खुद हैं ये खुद ज़्यादा चोटिल थे और इनका इलाज अभी चल रहा है, लेकिन ये खतरे से बाहर है। सर, मुकदमा पंजीकृत हो गया है क्या, किया जा रहा है? जी, अभी जैसे मैंने आपको बताया करीब आधे घंटे पूर्व इनके परिजन इनको सूचना दी गई थी और वो थाने पर आके अपनी तहरीर लिख रहे थे, और तहरी प्राप्त करते ही इस बारे में पता पत्रकार से आगे कार्रवाई की जाएगी। वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का, कल फिर होंगे हाजिर कुछ नई और ताज़ा खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त। नमस्कार। हमारे YouTube और Facebook चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब करना ना भूलें।